कहते हैं कि जब इतिहास लिखा जाता है तो उसके पीछे कड़ी मेहनत और कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है बात है पेरिस ओलंपिक 2024 की भारतीय हॉकी टीम ने फिर से अपना कांस्य पदक बरकरार रखा है और इस ओलंपिक में पांच वो खिलाड़ी थे जिन्होंने पहली बार भारत के लिए ओलंपिक में हिस्सा लिया था उनमें से एक थे जालंधर के सुखजीत सिंह जब डी में जाते थे तो पेनल्टी कॉर्नर बनता था और इस छोटे कद के खिलाड़ी ने बड़ी कामयाबी हासिल की आज हमारे साथ मौजूद है उनके घर पर पहुंचे हैं बहुत बहुत स्वागत है सुखजीत्या थैंक यू सर जब मैं बात करता हूँ कि पहली बार ओलंपिक सीनियर टीम में आप काफ़ी सालों से खेल रहे हैं एक्सपीरियंस आपका हो गया लेकिन ओलंपिक का जो एक वो जो पांच हल्ले हैं उनका क्रेज़ अलग था जब पेरिस पहुंचे क्या चल रहा था मन में बिल्कुल पाइए शुरू से मेरा ड्रीम था कि मैं भी ओलंपिक्स खेलूं और मतलब ये आपने जो छल्लों की बात की है ये मैं मतलब जो मतलब मतलब इंडिया टीम को जो रिप्रेजेंट कर चुके हैं जो खेल चुके हैं उनके मैं वो टैटूट देखता होता था तो मुझे मेरे भी मन में ये था कि मैं भी इस मुकाम तक पहुंचूं तो बिल्कुल ही मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है और पहली बार में आपने तो मैदान फतह कर लिया कि बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जिनके गले में ये ओलंपिक मेडल होता है बिल्कुल ये हर किसी का ड्रीम होता है कि मैं एक इंडिया टीम को रिप्रजेंट करूँ और ओलंपिक्स खेलूँ और मेडल लेकर आऊँ मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी की और गर्व की बात है कि मेरा फर्स्ट ओलंपिक था उसमें मैं ब्रॉन्स मेडल लेकर आया एक बार और बता दूं कि हॉकी इनके खून महन के जो पिताजी हैं वो भी हॉकी के प्लेयर रहे हैं बचपन के कोच वो थे उसके बाद मोहाली गए मोहाली से अगर आपकी जर्नी कहीं कि टर्निंग पॉइंट करियर का रहा मोहाली सेंटर ऑफ एक्सलेंस हाँ जी अकेडमी में था सर मैं मोहाली में तो वहाँ मतलब जो हमारे कोच थे गुरदीप सिंह गरेवाल मतलब हॉस्टल में रह ही मैंने मतलब वहाँ पर हमने प्रैक्टिस की और वहाँ से फिर मैंने सर आगे का रास्ता मेरा बढ़ा एक आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट था वाया दो में जब आपको इंजरी हुई और वो ऐसी इंजरी थी कि अगर कई प्लेयर शायद वापस ना मैदान पर आते लेकिन आपके अंदर जज्बा था वो दौर आज याद आता है आपको इस ओलंपिक मेडल और उसकी जर्नी के बीच का हाँ जी वो मेरे लिए सर बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम था मेरी लाइफ का उस टाइम में मैंने बहुत कुछ मतलब वो जो मेरे टाइम मेरे पर आया था उस टाइम में मैं मुझे बहुत कुछ मैंने सीख चुका था मतलब मैंने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया उसके बाद क्योंकि इंजरी जब मेरे आ गई थी मुझे नहीं लग रहा था कि मैं शायद दोबारा खेल सकूंगा एक तरह का पैरलाइसिस था क्योंकि आपके राइट लेग में पेन उठा आप खेलते रहे आपको लगा कि नॉर्मल होगा लेकिन वो बाद में बड़ी चीज़ बन गई हाँ जी वो मतलब तो मेरी खेल तब तो मैं सर जब मेरी इंजरी थी तो मैं खेलना तो मेरा बिल्कुल ही क्योंकि मेरे से चला ही नहीं जा रहा बेड से नहीं उठा जा रहा था और मुझे भी हो रहा था कि मेरी मतलब मतलब राइट लेग को पता नहीं क्या ही हो गया तो मैं अंदर से एक तो बिल्कुल ही टूट चुका था तो जब मैं फिर अमृतसर आया जब मेरे पापा लेने आए थे तो फिर घर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं तो कुछ कर सकता है तो फिर एक मेरे माइंड क्योंकि मेरा शुरू से मेरा माइंड सेट था कि मैं अपने इंडिया को मैंने रिप्रेजेंट करना है उस दौर में किस तरह से एक तो मोटिवेट कहना बहुत आसान शब्द है लेकिन अंदर से जज्बा जगाना बहुत मुश्किल होता है तो कभी आया इस दिमाग में कि अब नहीं खेल पाऊँगा यार नहीं मुझे उठ के खेलना है मैं अपने मतलब फादर साहब का जो मेरे पीछे उन्होंने मेरा स्ट्रगल मतलब किया है तो उस चीज़ को लेकर मैं हमेशा ही आगे चलता हूँ क्योंकि मेरे मैं आज इस मुकाम तक हूँ मेरे सबसे पीछे मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है तो मैं हमेशा ही जो मैं अपना कोई भी चीज़ हो मैं अपने मतलब अपनी फैमिली को मतलब हमेशा दिमाग में लेकर चलता हूँ कि मेरे फैमिली ने मेरे पीछे बहुत कुछ किया है तो जो उनका ड्रीम है वो मेरा फ़र्ज बनता है मैं अपना उनका पूरा करूँ वो कितने साल का दर्द था क्योंकि अठारह से आप बीच का जो गैप डेढ़ डेढ़ दो साल अगर मुझे जहाँ तक जानकारी हाँ जी ए वो मेरा छः सात महीने में मतलब बेड पर ही रहा था हाँ जी तो फिर छः सात महीने के बाद मैं प्रॉपर मतलब रनिंग रूनिंग करनी शुरू की थी मतलब धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करना मतलब फील्ड में आना शुरू कर दिया था जब आप टीम में पेरिस के लिए गए फ्लाइट गई उतरे वहाँ पर मैं हर अभी हरमन से बात करके आ रहा था सरपंच साहब से आपके सरपंच साहब सभी के फेवरेट हैं तो वो कह रहे थे कि हमने ये डिसाइड किया था कि दो तीन दिन जिसको एक्सप्लोर करना है पेरिस कर लें देखना है या घूमना है या पिक्स क्लिक करने सोशल मीडिया यूज़ कर लें उसके बाद फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे बिल्कुल सर ये हमने ये पहले भी जैसे टोक्यो में जो मतलब ये उन्होंने मेडल लेकर आए थे तो उनका भी तब भी पूरा बिल्कुल माइंड सेट था इस बार भी हम पूरे मतलब जज्बे के साथ गए थे और हमारा सभी टीम का और एकता था और माइंड सेट था कि इस बार हम कलर चेंज करके कर लेकर आएंगे तो हरमनप्रीत भाई ने मतलब शुरू से जो हमने टीम में जो सीनियर हैं उन्होंने आपस में बात की थी कि हम जब जाएंगे पहले दो दिन सोशल मीडिया यूज करेंगे तो उसके बाद फिर हम बंद कर देंगे जब तक हम कुछ हासिल ना कर सकते हाँ जी और जब हासिल कर लिया उसके बाद फिर तो <laughs> मतलब कोई मतलब बयान मतलब नहीं कर सकते कि हमारे को एक खुशी थी और फिर तो हम कुछ भी कर सकते थे बिल्कुल और ये भी बात है कि जो आपकी बस थी टीम बस उसमें गुरदास मान साहब का गाना जो दिल का मामला वो टोक्यो से लेके पेरिस तक कंटिन्यू रहा हाँ जी वो बिल्कुल बिल्कुल जो मान सर का जो गाना था वो ये नहीं है कि टोक्यो में वो हमारा एक बेस्ट हमारा वो है मोटिवेट लक्की। कर लक्की है वो हाँ, हाँ जी तो हम हरेक टूर्नामेंट में जो मेजर टूर्नामेंट हरेक कहीं भी जाते हैं वो हमारा जब इवेंट के लिए हम रेडी होते हैं जाते हैं ना वो गाना हमारा चलते चलते हैं आपको आता है नहीं आता नहीं है भाई वो हरमन भाई को ही आता है मतलब वैसे सुन के सुन के हमारे बूस्ट बहुत खड़े होते हैं जी एक चीज और है कि जब सेमीफाइनल हारे तो जाहिर सी तौर पर कि निराशा होती है और बहुत सेटबैक भी लगा क्योंकि मेडल का कलर बदलना था तो काफ़ी डिसपॉइंटमेंट थी तो आपस में फिर टीम ने डिसाइड किया कि मेडल के बिना जाना नहीं है बिल्कुल वो सर किसी को भी मतलब कोई भी ऐसे चाहता नहीं है कि हम मतलब हारे क्योंकि इस लेवल पर आके हमारा एक शुरू से हमने मां, मतलब माइंड सेट किया था जब हम पेरिस में गए थे कि इस बार हम मेडल गोल्ड लेकर आएंगे तो जब हम सेमीफाइनल हारे थे ना तो हमें कुछ भी हम जब विलेज में वापस आए हमें कुछ भी मेरे हिसाब से किसी को भी नींद नहीं आई थी अच्छे से क्योंकि वो हमें जो जो हमने मेरे हिसाब से जो थोड़ी एक दो गलती की होगी वो हमें रिग्रेट कर रही थी कि यार शायद काश मैं इसमें कुछ अच्छा कर सकता या ऐसे कुछ कर सकता है ना या हम टीम मिलके ऐसा कुछ अच्छा कर सकते इस मतलब हम मेडल के लिए और मतलब गोल्ड के लिए चले जाते तो वहाँ पर हमारा सभी का जो था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब दिल बहुत ही ज़्यादा वो उदास हुआ था कि किसी को कुछ अच्छा नहीं लगा और रात सो नहीं पाए बिल्कुल ये सच बात है हाँ जी सच बात है तो कैसे अपने को अगले मैच के लिए मोटिवेट किया और बात की टीम मीटिंग्स में क्योंकि ये होता है कि एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं बिल्कुल हम जब सुबह उठे क्योंकि सभी का चेहरा उदास था और क्योंकि जो हम सोचा था वो तो हम चलो हासिल कर नहीं पाए जिससे उस पर जाना था फिर हमने एक दूसरे को बूस्टअप किया कोचिस ने स्टाफ ने फिर हम इकट्ठी हमारी मीटिंग हुई सभी की और जो हमने बातें की कि हम कैपेबल हैं मेडल के लिए तो फिर हमने माइंड सेट किया सभी ने और फिर हम रात को डिनर के बाद सारे टीम मेट्स बैठे हम तो आपस में हमने बात की श्री भाई ने मतलब अपना जो रोल था वो बताया कि मतलब हम कुछ कर सकते हैं इस बार ये वो तो हरमनप्रीत भाई ने हमने मतलब सभी ने जो हमारे दिल की बातें थी मतलब सभी ने टेबल पर रखी टेबल पर रखी और कि हमने ये मेडल लेकर ब्राउन्स जाना ही जाना है और जब ब्राउन्स आया तो फिर सायरस सो नहीं पाए खुशी के हमारे भंगड़े करते रहे बिल्कुल ही बिल्कुल फिर हमारे पास मतलब कोई मतलब शब्द ही नहीं था और ना ही हम अपनी बयान कर सकते उस रात का बताइए हाँ तो नहीं जाएंगे श्री का वीडियो देख रहा था वो श्री बच्चों की तरह नाच रहे थे आपका और सभी लोग तो उस समय ये था कि चलो यहाँ से ये कलर जो नहीं बदला लेकिन वही लेके जा रहे हैं जो पिछली बार आये बिल्कुल क्योंकि हम श्री भाई का लास्ट मैच था तो हम ये मतलब इस मतलब खेल भी रहे थे तो हम ये मन के लेकर चल रहे थे कि हमारे साथ जो हमारे लीजेंड प्लेयर हैं भाई उनको विदा हमें, हाँ जी विदा और अच्छे तरीके से करें हाँ जी अच्छा मैं हरमन से ही बात कर रहा था कि टीम में कुछ शरारती भी तो होते हैं ना कि जैसे माहौल टेंस है तो जोक सुना दिया उनमें से आपका नाम भी ले रहे थे वो नहीं नहीं हरमन भाई तो वैसे ही चलो पर है दो तीन प्लेयर हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जैसे अपने सुमित भाई हो गए और, और दो और तीन, तीन जने हैं भी नाम आ था। आ, जी आ, जी आ, जी तो आपका ऐसा <laughs> कौन सा जोक सुना था? एक लाइट मूड क्योंकि आप सोशल मीडिया नहीं यूज कर रहे थे लेकिन होता ना कि एक लाइट जोक सुना दिया पंजाबियों को वैसे आदत होती है ना कि कुछ ना कुछ सुनाने की तो आप क्या ऐसा करते थे नहीं जोक तो नहीं मतलब ऐसे मतलब गाना लगता गाना चलता था कोई भी अच्छा। तो उस उसपे हमने मतलब मतलब अच्छा मतलब हैप्पी करने के लिए डांस करते थे मैं संजय हो गया मतलब सभी को हैप्पी खुश करने के लिए बट कोई गाना तो होगा जिसपे डांस करते मतलब सिद्धू के गाने हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। वो हरमन के भी फेवरेट है एक दो गाने हैं जिन उनको मतलब याद भी और वो भी बूस्ट होते हैं सुनकर अच्छा ये तो हम नाम आपके सुखजीत हरमन इनके निकनेम भी है सभी के मुझे लगा कि किसी को वो एक दो जरा जरूर बताइए कि श्री को आप क्या कहते थे श्री भाई या और किसी प्लेयर को श्री भाई को तो हम श्री मतलब बोलते हरमन भाई को पलवान हाँ अच्छा, हो हाँ जी, 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 जी तो जैसे तो तो मेरा नाम जैसे सुखजीत मुझे काका बोलते हैं हैं तो ऐसे है कईयों के, के नाम सुखजीत अभी ये है कि 2028 पर फिर से क्योंकि निगाहें हैं अगला ओलंपिक है और इस पर कलर बदलना है ये बहुत है क्या देखते हैं कि इसके बाद हॉकी कहाँ पे स्टैंड करती है और मैं एक सवाल और पूछ रहा था उनसे कि जिस तरह से क्रिकेट में टीम इंडिया जब वर्ल्ड कप जीती तो ओपन बस में ले जाया गया तो शायद प्लेयर ने भी आपस में कहा कि अगर गोल्ड जीते हमारा भी इस तरह वेलकम होता बिल्कुल सर क्रिकेट भी मतलब क्रिकेट वालों ने भी हमारा पूरा देश का सील ऊँचा किया और उनके मतलब जब वो मेडल लेकर आए पूरा बॉम्बे में मतलब पूरे देश ने उनका वेलकम किया तो हमें भी ये था कि इस बार हम भी कलर मतलब चेंज करके मेडल लेकर जाएँ गोल्ड और हमारा भी इस तरह से वेलकम होगा तो नेक्स्ट आपके क्या प्लान्स हैं सर नेक्स्ट अभी तो हमारे को मतलब दस पंद्रह दिन का रेस्ट दिया है वो जैसे भी कोच का और जैसे टीम का मतलब कोई भी आएगा शेड्यूल उस हिसाब से हम आगे लास्ट सवाल उम्मीद तो है कि कलर बदलेगा और आपके पास अभी सब कुछ है क्या लग रहा है कि जो आज हॉकी का स्टैंड है वही सवाल कि अब कहाँ देखते हैं आप आगे किस तरह से कलर बदलने की तैयारी सर अभी लग रहा है कि जैसे हमने मतलब ओलंपिक्स ओलंपिक्स में मेडल लेकर आए हैं बैक टू बैक तो आगे मतलब यही है कि मतलब हॉकी को अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं यही चाहता हूँ कि हॉकी को ऐसी करते रहो और हम भी अपनी देश के लिए और ऐसे अच्छा करते रहेंगे खत्म करने से पहले एक बार वो मेडल जोर दिखा दें हम दर्शकों को जिसके लिए इतनी मेहनत और जो तिरंगा जब वहाँ लहराते हैं तो गूजबम उड़ते हैं ये वो मेडल है जिसके लिए जद्दोजहद है और 2020 टोक्यो में इकतालीस साल बाद ब्रॉन्ज आया था और उसके बाद 2024 में कायम रखा है ब्रॉन्स का जो दबंग गई है भारतीय हॉकी टीम की और अट्ठाईस में उम्मीद है कि इसका कलर बदलेगा बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सर तो ये थे सुखजीत सिंह और इंस्पिरेशन स्टोरी है किस तरह से अंदर जज्बा था अब बीमारी को हराया भारत के लिए कहां से पदक जीता पहला ओलंपिक था बस अब 28 में रंग बदलने की तैयारी है वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ उमेश शर्मा न्यूज 18 जलंधर